हेलो गाइस, तो कैसे हो, क्या चल रहा है। तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले 2015 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म भाले भाले मगाड़ी वोय का, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया हुआ है माय नेम इज लकी। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है मारुति दसारी ने। फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे नानी और लावण्या त्रिपाठी। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो मुरली शर्मा, नरेश, सितारा, अजय और मधुमिता। माय नेम इज लकी यानी कि भाले भाले मगाड़ी वोय फिल्म की कहानी की बात करें तो लकी जिसका रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे नेचुरल स्टार नानी, जो एक हैप्पी गो लकी पर्सन है जिसे बचपन से ही माइल्ड मेमोरी लॉस की बीमारी है और इस बीमारी से वो सफर कर रहा है। और इसकी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से लकी काफी हद तक सभी चीजें भूल जाता है। एक बार उसके लिए मैरिज प्रपोजल आया हुआ रहता है और लड़की के पिता से मिलने की मीटिंग सेट हुई होती है और उस मीटिंग के दौरान बीच में उसके पास एक दो दूसरे काम आ जाते हैं जिसकी वजह से वो पूरी तरह से वो चीज भूल जाता है। और आखिर में जब लड़की के पिता से वो मिलता है तब वो अपनी मेमोरी लॉस प्रॉब्लम के बारे में बात करता है और तभी उसका वो मैरिज प्रपोजल कैंसल हो जाता है। और जैसे थोड़ा बहुत टाइम बीतता है तब लकी नंदना नाम की लड़की से मिलता है और उस लड़की के साथ उसे प्यार हो जाता है। नंदना का कैरेक्टर प्ले करती हुई नजर आएंगी लावण्या त्रिपाठी। थोड़े दिनों बाद लकी और नंदना एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन जितनी भी बार लकी नंदना से मिलता है तब उसके मेमोरी लॉस प्रॉब्लम की वजह से काफी ज्यादा ट्रबल क्रिएट हो जाती है और ज्यादातर टाइम लकी नंदना से मिलने के लिए इग्नोर करता है, लेकिन जब भी मिलना होता है तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, उस सिचुएशन से बचने के लिए वो नंदना से काफी ज्यादा झूठ बोलने लगता है। और उसके बाद फिल्म की कहानी में एक ट्विस्ट आता है, उस ट्विस्ट की वजह से लकी की लाइफ में काफी गड़बड़ हो जाती है। और उस चीज के बाद लकी किस तरह से नंदना को मैनेज करेगा और उसके परिवार को किस तरह से हैंडल करेगा, और वहां पे भी एक ट्विस्ट डाला हुआ है, वो ट्विस्ट क्या है, उस ट्विस्ट की वजह से लकी को और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इन सभी चीजों को लकी कैसे हैंडल करता है और कैसे सॉर्ट आउट करता है, यही बातें फिल्म की कहानी बनाती है। फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि मारुति दसारी, जिन्होंने फिल्म के साथ स्टनिंग काम किया हुआ है, उन्होंने फिल्म को काफी बढ़िया वे में क्रिएट किया हुआ है। जिस तरह से उन्होंने सभी चीजों को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है वो शानदार है। फिल्म की कॉमेडी उन्होंने बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है, सभी एपिसोड को बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूशन दिया हुआ है। साथ ही में फिल्म में हीरो का कैरेक्टराइजेशन काफी बढ़िया में एंटरटेनिंग तरीके से हमारे सामने पेश किया हुआ है और उन सभी चीजों में जो प्रोसीडिंग होती है वो काफी हिलेरियस फन क्रिएट करती है। जिस तरह से उन्होंने ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले डाला हुआ है उसी वजह से हम फिल्म के साथ काफी बढ़िया तरीके से जुड़ जाते हैं। फिल्म की एडिटिंग और म्यूजिक बढ़िया है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक जो गोपी सुंदर ने बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है वो फिल्म का अनदर हाईलाइट पॉइंट में शामिल होता है। अब बात करें फिल्म के डायलॉग की, तो फिल्म के डायलॉग बढ़िया तरीके से क्लीन तरीके से लिखे गए और बढ़िया कॉमेडी क्रिएट करते हैं। डायलॉग में जो पंच डाले हुए और उस पंच का जो एग्जीक्यूशन हमें एक्टर्स के द्वारा देखने को मिलता है वो गजब का है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो नानी जो लीड कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आते हैं, लकी वाला किरदार, वो उन्होंने बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है। वो हमें हर बार अपनी फिल्मों से प्रूव करते हुए नजर आते हैं कि उनमें काफी ज्यादा टैलेंट है। वो टैलेंट का पावर हाउस है। वो जिस तरह से अपने रोल को बड़ा करते हैं, जिस तरह से अपने रोल में काम करते हैं, वो गजब का होता है। वो हर बार अपने कैरेक्टर में एक नयापन लाने में कामयाब रहते हैं। नानी का जो लकी वाला किरदार था जिसमें मेमोरी लॉस वाला प्रॉब्लम था, उसकी वजह से वो अपने कैरेक्टर में एक सहानुभूति क्रिएट करने में भी कामयाब रहते हैं और उसी टाइम पे वो हमारे सामने बढ़िया सी कॉमेडी क्रिएट करने में कामयाब रहते हैं। फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी कि लावण्या त्रिपाठी, जो फिल्म में काफी बढ़िया नजर आ रही थी, उनका लुक काफी सुपर्ब नजर आ रहा था और सेम टाइम पे उन्होंने नंदना का किरदार काफी अच्छी तरह से निभाया हुआ था। उनकी केमिस्ट्री नानी के साथ काफी बढ़िया नजर आ रही थी और जो लाइट हार्टेड मोमेंट्स होते हैं, जो फील गुड इफेक्ट होती है, वो बढ़िया तरीके से फिल्म में क्रिएट हुई है और अच्छी तरह से हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है। इसके अलावा मुरली शर्मा, जो ज्यादातर हमें नेगेटिव रोल्स में दिखाई देते हैं, इस बार उन्होंने लावण्या त्रिपाठी के पिता का किरदार निभाया हुआ है और अपने किरदार में उन्होंने मार्वेलस काम किया हुआ है। जिस तरह से उन्होंने आसानी से वो किरदार निभाया हुआ है, जिस तरह से उनके सभी नानी के साथ सीन क्रिएट हुए, वो सीन बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट हुए और स्क्रीन पे काफी बढ़िया सी इम्पेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से फिल्म हमें अच्छी तरह से एंगेजिंग लगती है।
इसके अलावा फिल्म में आपको वेरियस एपिसोड देखने को मिलेंगे जहाँ पे अच्छी अच्छी कॉमेडी क्रिएट करते हुए कैरेक्टर नजर आते हैं, और कॉमेडी का जो ह्यूज डोज है उसको वेनिला किशोर और श्रीनिवास रेड्डी ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है, और उनका जो एग्जीक्यूशन था और कॉमेडी की टाइमिंग थी और साथ ही में जो कॉमेडी पंच की जो डायलॉग डिलीवरी थी वो सुपर्ब थी। उन दोनों ने मिलकर फिल्म की कॉमेडी को और मजबूत किया हुआ है, और उसी वजह से फिल्म की कॉमेडी काफी ज्यादा हद तक हमें हंसाने में कामयाब रहती है। और साथ ही में जो लीड पेयर के बीच में जो रोमांस क्रिएट करके डायरेक्टर ने दिखाया हुआ था वो भी काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करते फिल्म के फर्स्ट हाफ की, तो फिल्म के फर्स्ट हाफ में जिस तरह से सभी कैरेक्टर का इंट्रो दिखाया गया है, हीरो का जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन किया हुआ है वो बढ़िया है। फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से सभी चीजों को प्रोसीडिंग में डाला हुआ है, और वो प्रोसीडिंग हमें जरूर हंसाने में कामयाब रहती है, और फिल्म के इंटरवल पे जो ट्विस्ट डाला हुआ है वो बढ़िया सा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और उस इंटरवल ब्लॉक की वजह से सेकंड हाफ देखने का मजा हमारा दुगना हो जाता है। और उसके बाद सेकंड हाफ जहाँ पे भी बढ़िया सी कॉमेडी देखने को मिलती है, और उसी के साथ सेकंड हाफ में लीड पेयर का रोमांस और बेटर वे में देखने को मिलता है, और मुरली शर्मा का कैरेक्टर सेकंड हाफ में थोड़ा और मजबूत हो जाता है जो देखने में हमें मजा देता है। लेकिन अजय का जो कैरेक्टर था उसको फोर्सफुली एड किया हो ऐसा लगता है, और उनके कैरेक्टर में जो सभी चीजें लिखी हुई थी वो भी थोड़ी बहुत ओवर द टॉप नजर आ रही थी। और इसके अलावा फिल्म के प्री क्लाइमेक्स को डायरेक्टर ने काफी जल्दबाजी में खत्म किया हुआ है, और उसके बाद जो फिल्म का क्लाइमेक्स था वो मारुति दसारी ने सिंपल नोट पे एंड किया हुआ था, वो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसमें जो टिपिकल कमर्शियल चीजें ऐड की हुई थी यानी कि अननेसेसरी फाइट सीक्वेंस और सिली थ्रिल्स वो सभी चीजों की जरूरत नहीं थी। तो मैं 2015 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बाले बाले मगाडी बॉय यानी कि माय नेम इज लकी को 8/10 की रेटिंग देता हूँ। तो कुल मिला के कहे तो माय नेम इज लकी यानी कि बाले बाले मगाडी बॉय एक हिलेरियस एंटरटेनर फिल्म है जिसमें आउट एंड आउट बढ़िया सी कॉमेडी देखने को मिलती है, और इसी के साथ जो नानी की शानदार परफॉर्मेंस और जो नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है जिसकी वजह से हम पेट पकड़ के हंसते हैं। हाँ, फिल्म में आपको लॉजिक को थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा, हालांकि कॉमेडी फिल्म्स देखने बैठे हो तो लॉजिक तो साइड में ही रखना बेहतर होगा, क्योंकि कॉमेडी में हमें लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए तो देखने में ज्यादा मजा आएगा। ये फिल्म सभी प्रकार की ऑडियंस को जरूर एंगेज करेगी, जरूर पसंद आएगी, इस फिल्म से सभी ऑडियंस जरूर एंटरटेन होगी। तो बस गाइज, आज के रिव्यू में इतना ही था। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप ये फिल्म देख लिए हो या फिल्म देखने वाले हो तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करके बताइएगा। तो और भी ऐसे नए साउथ इंडियन मूवी के हिंदी रिव्यू के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज की न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।